सीबीएसई टू एनआईएस में एडमिशन किन किन बच्चों को लेना चाहिए और किन किन बच्चों को कब एग्जाम देना है, आपका सिलेबस क्या होगा, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फी क्या लगेगा और आपको जेईई मेंस में 75% क्राइटेरिया एनआईटी और IIIT या फिर IIT में कैसे आप एनआईएस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि उन सब बच्चों के लिए हेल्प हो जाए जो इस बार एसेंशियल रिपीट आ गया है और जिन बच्चों को कम पार्ट आ गया है दो सब्जेक्ट में और 10th में मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, तो वो कैसे अपना साल सेव करके, तो इसी साल वो NIS से पास करके एक सिंगल मार्कशीट लेके वो अपना एडमिशन कॉलेज में और जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे किन किन बच्चों को NIS बोर्ड में POC करवाना चाहिए CBSE से NIS में। सबसे पहले जो बच्चे CBSE के हैं उनको अगर 2024 में एसेंशियल रिपीट आ गया है यानी उनको RT 3 सब्जेक्ट्स में है और 4 सब्जेक्ट्स में है और एक में वो पास है या फिर 2 में पास है, तो वैसे बच्चे NIS बोर्ड से POC करा सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, यानी दो सब्जेक्ट का मार्क्स आपको CBSE से NIS बोर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके एक सिंगल मार्क्सिट बन के आ जाएगा। NIS बोर्ड से POC करा सकते हैं, इसमें आपको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स का मार्क्स ट्रांसफ़र हो जाता है CBSE से या फिर अदर स्टेट बोर्ड का मार्क्स NIS बोर्ड में, और आपको 3 सब्जेक्ट्स का मिनिमम एग्जाम देना पड़ेगा तब आपका एक सिंगल मार्क्सिट बन के आ जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको अगर एक सब्जेक्ट में मिनिमम पास होना है तभी आपका TOC हो पाएगा, और जिन बच्चों का कम पार्ट आया हुआ है और 2 सब्जेक्ट्स में RT है क्लास 12th वाले और जो क्लास 10th वाले हैं उनका 3 सब्जेक्ट्स में RT है तो वो इसमें NIS में अप्लाई कर सकते हैं, TOC करा के वो अपना एक साल सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं यानी PCM से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बच्चे हैं, CBSE से हैं या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हैं, तो उनको अगर कंपार्टमेंट आ गया है 2 सब्जेक्ट्स में क्लास 12th वाले में और एसेंशियल रिपीट आ गया है क्लास 12th में, वैसे बच्चे यहाँ से POC करा सकते हैं और अपना 75% क्राइटेरिया अचीव कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे PCM के हैं नेक्स्ट ईयर वो यानी 2025 में जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो वो POC करा सकते हैं और उनका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा और अक्टूबर वाला एग्ज़ाम ईजी होता है पास करना। और जिस स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है NIS बोर्ड में POC कराना है तो वो इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट और गाइड करेगी और एग्ज़ाम के बाद फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। हमें एक और डाउट आता है कि हमें एग्ज़ाम कब देना है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि NIS बोर्ड में आपको एग्ज़ाम होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, और एक एग्ज़ाम होता है अक्टूबर नवंबर, ओके, क्लियर। तो आपको एग्ज़ाम कब देना चाहिए, अक्टूबर में देना चाहिए या फिर जून जुलाई अगस्त और सितंबर में देना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना है कि आपको रिजल्ट कब चाहिए। अगर आपको रिजल्ट जुलाई और अगस्त में रिक्वायर्ड है तो जो अगर जुलाई में रिक्वायर्ड है तो जून में आपको एग्ज़ाम दे देना होगा, क्लियर, NIS बोर्ड में 3 सब्जेक्ट्स का, और अगस्त में आपको अगर रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लीजिए तभी आपका रिजल्ट उस समय तक आ पाएगा, ओके। और अगर आपको रिजल्ट दिसंबर जनवरी में चाहिए यानी जनवरी 2025 में चाहिए रिजल्ट, तो आप अक्टूबर वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका भी एडमिशन स्टार्ट है, चल रहा है, ओके, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे 75% अगर अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, IIT में जाना चाहते हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अक्टूबर वाला एग्ज़ाम देके ये चीज़ अचीव कर सकते हैं जो कि CBSE से थोड़ा टफ है आना, ओके। तो अगर लकली अगर उनको कंपार्ट आ गया है PCM वाले बच्चे को जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कंपार्टमेंट आ गया है, एसेंशियल रिपीट आ गया है, तो उनको डरने की बात नहीं है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ से वो TOC करा लें, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दें तो उनको यहाँ से 75% इजिली अचीव कर सकते हैं। तो NIS में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको डॉक्यूमेंट में फोटो चाहिए, सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, आधार है और फेल मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद आपका एडमिशन होने के बाद आपका एक आईडी कार्ड बन के आ जाएगा और हॉल टिकट यानी यहाँ पे एडमिट कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं CBSE में, वो आपका बन के आ जाएगा और इसको आपको लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे और एग्जाम देना है, क्लियर। प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर उन सब बच्चों का क्लास 11th का 30% सिलेबस रहेगा, क्लास 12th का 70% सिलेबस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो आपको
जो ये सिलेबस मैं आपको दूंगा उस सिलेबस में आपको ये सारा टॉपिक पढ़ना है, ये वाला टॉपिक, और जो टीमए का टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि आपको ऑन डिमांड एग्जाम दीजिएगा तो आपको 11th का भी आएगा। अगर आप अक्टूबर एग्जाम दे रहे हैं, अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अप्रैल फ्रेश क्लास 10th या 12th दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्लास 11th का 10% और क्लास 12th का 90% आता है। उसी तरह क्लास 10 वाले बच्चों को 9th का 10 से 20% आएगा और क्लास 10 का 80% आएगा सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि आपको NIS की फी क्या लगेगी। तो आप जब अप्लाई करेंगे TOC के लिए तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, प्रैक्टिकल फी और TOC का फी लगता है। जो भी फी लगेगा उसके अलावा 1,000 रुपीज हम लोग आपसे लेते हैं और आपको एडमिशन एंड फुल सपोर्ट गाइड करेंगे एग्जाम तक और एग्जाम के बाद मार्कशीट आने तक। तो अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो आप लोग एडमिशन लेके इसी साल अपना क्लास 10th या फिर 12th क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आपका एडमिशन स्टार्ट होगा तो एक OTP मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जाएगा NIS की तरफ से। वो OTP आपको हमको देना होगा, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और आफ्टर कंप्लीशन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक रेफरेंस आईडी बन के आ जाएगा, उस रेफरेंस आईडी को रखना है अपने पास, और फिर इनरोलमेंट नंबर 1 वीक के अंदर आपका बन के आ जाएगा, आईडी कार्ड एंड हॉल टिकट। ओके, तो वो यूजर आईडी आपको ईमेल पे बन के आ जाएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग विजिबल रहेगा। बाकी जगह क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जगह आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट सपोर्ट मिलेगा और आपका सही से अप्लाई होगा, कोई फ्रॉड नहीं है, और आपको मार्कशीट लाने तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।